क्या हो सकता है, पड़ोसी मुल्क में अस्थिरता है। देखिए शेख हसीना यहाँ आ गई, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं रोहित। थोड़ी देर पहले वो हिंडन एयरपोर्ट पे उतरी हैं और उसके बाद एनएसए अजीत डोवाल ने जाकर के उनसे मुलाकात की, सीनियर ऑफिशियल्स ने उनको रिसीव किया था। देखिए एज ओल्ड क्लोजर रिलेशनशिप रहा है शेख हसीना के साथ। जब बांग्लादेश में चुनाव हो रहे थे तब भी भारत बहुत कीन था कि शेख हसीना ही सरकार में वापस आए, बहुत कॉर्डियल और फ्रेंडली रिलेशनशिप रहा है। हालांकि आज ये सवाल जरूर उठाए जा सकते हैं कि जब नई रिजीम वहां आने वाली है, केयरटेकर गवर्नमेंट हो या उसके बाद चल के जो भी फुल फ्लेज्ड गवर्नमेंट आती है, तो क्यों ना हमको उस ओर ध्यान देना चाहिए। लेकिन इनके साथ पुराने रिश्ते हैं और डोवाल साहब का उनसे मिलना या ये आउटरीच ये जरूर दिखाता है कि इंडिया कहीं ना कहीं इस बात को असर्टेन करना चाहता है कि जो 6000 हिंदुस्तानी वहां अभी फंसे हुए हैं उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी कैसे इंश्योर की जाए, सिचुएशन ऑन ग्राउंड कैसी है, अकॉर्डिंगली डिप्लोमेटिक स्टेप्स उठाए जाए। इस वजह से ये मुझे लगता है इसलिए राजी हुआ है भारत की शेख हसीना को यहां पर टेंपरेरी एक स्टॉप ओवर दिया जाए। आपने पूछा उनका अगला कदम क्या होगा। देखिए प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक रोहित पहले उन्होंने इच्छा जाहिर की थी कि वो इंडिया आए, एक आध रोज रुके और उसके बाद यहां से लंदन अपनी बहन के यहां जो कि घर है उनका वहां पर चली जाए। इस बीच यूके से खबर आई कि इंग्लैंड उनको अपने यहां किसी भी तरह का पॉलिटिकल असाइलम नहीं देना चाहता। हालांकि अभी तक ये कंफर्मिटी से नहीं कह सकते कि उन्होंने इंग्लैंड से ऐसा पॉलिटिकल असाइलम मांगा था कि नहीं मांगा था। कम से कम भारत सरकार ने के टॉप सोर्सेज ने मुझे कंफर्म किया है कि इंडिया में उनको पॉलिटिकल असाइलम का ना उनकी तरफ से कोई रिक्वेस्ट आया, ना ही भारत ऐसा करने जा रहा है। तो निश्चित तौर पर सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी है कि ये देखना होगा कि 6000 इंडियंस जो वहां फंसे हुए हैं, जिसमें हाई कमीशन के ऑफिशियल्स भी हैं, तमाम स्टूडेंट्स रोहित वहां पर हैं, कि उनको एक बार स्थिति सुधरे तो कैसे वहां से इवैक्यूएट करें। रही बात हिंदू पॉपुलेशन की वहां पर, तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो और मुझे तो अब इस बात का डर लग रहा है कि जमात इस्लामी वहां पर दोबारा से एक्टिवेट हो गया, जिसको लेकर के भारत की लंबे समय से चिंता रहती थी। ऐसे में जरूर इस बात का भी हमें भारत में ध्यान रखना चाहिए कि चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे सुमेंदु अधिकारी हो, चाहे संजय सिंह हो या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई लीडर हो, पॉलिटिकल स्टेटमेंट सभी ना दें। बिल्कुल आशीष, आपसे एक और बड़ी बात यहां पर यह भी जानना चाहेंगे कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की है और भारत सरकार बड़े पैनी निगाह रखी हुई है पूरे घटनाक्रम पर। जी हाँ बिल्कुल, देखिए ये मैं आपको बात बता रहा था, इंडिया के सामने अभी सबसे बड़ा चैलेंज है कि या तो स्थिति सुधर जाए या फिर वहां से भारतीयों को कैसे निकाल के लाया जाए। अभी रोहित मैं और आप बात कर रहे हैं एज मी एंड यू टॉक, ढाका में एयरपोर्ट पे जो प्रोटेस्टर्स हैं वो घूम रहे हैं, वो एयरपोर्ट पूरी तरह से बंद है। आखिर अगर वहां से लोगों को इवैक्यूएट करने की नौबत आती है तो क्या प्लान हो, ये प्रधानमंत्री का डायरेक्शन तो चाहिए होगा। मुझे मेरी जानकारी के मुताबिक इसको लेकर के बात हुई डॉक्टर जयशंकर की प्राइम मिनिस्टर से और शेख हसीना जब लैंड की है उसी दौरान ये मुलाकात चल रही थी। तो निश्चित तौर पर यह भी रूपरेखा तय की जा रही होगी कि कितने दिन तक शेख हसीना को यहां रखना है, क्योंकि कहीं उसका रॉन्ग मैसेजिंग ये ना हो जाए कि जो नई सरकार आ रही है या वहां की लार्जर आवाम जिनके लिए अभी अनपॉपुलर प्राइम मिनिस्टर थी वो नाराज हो जाए और इंडियंस की जान वहां खतरे में आए। इन सभी बातों को लेकर के प्रधानमंत्री से मुलाकात। आशीष बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही कि भारत को इस स्थिति को भी भांपना होगा, गेज करना होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। दिल्ली में शेख हसीना की बेटी भी है और दिल्ली में शेख हसीना भी है, बेटी साइमा से शेख हसीना मिल सकती है, WHO से जुड़ी है शेख हसीना की बेटी साइमा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दक्षिण पूर्व एशिया की क्षेत्रीय निदेशक है साइमा, दिल्ली में है शेख हसीना की बेटी और शेख हसीना भी दिल्ली पहुंच चुकी है। हिंडन एयरबेस पर उनका विमान उतरा और इसके बाद अभी वो दिल्ली में ही मौजूद है और WHO से उनकी बेटी साइमा जुड़ी हुई है, अपनी बेटी से वो मिलेंगी। इस वक्त की बड़ी खबर है शेख हसीना से जुड़ी हुई है जानकारी। एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें कि शेख हसीना से NSA यानी अजीत डोभाल की मुलाकात हुई है, वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों ने भी मुलाकात की है। हिंडन एयरबेस पर यह मुलाकात हुई है, भारतीय वायुसेना सुरक्षा मुहैया करवा रही है। सूत्रों के मुताबिक ये खबर मैं आपको बता रहा हूं, सुरक्षा में अन्य सुरक्षा एजेंसियां भी शामिल है और सुरक्षित स्थान पर ले जाया जा रहा है शेख हसीना को, सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर। और मेरे सहयोगी और एडिटर फॉरेन अफेयर्स आशीष सिंह मेरे साथ इस वक्त जुड़े। आशीष, शेख हसीना हिंडन एयरबेस में उतरी, NSA उनसे मिलते हैं, अब आगे क्या, कहां पर शेख हसीना है, उनका अगला कदम क्या हो सकता है, पड़ोसी मुल्क में अस्थिरता है। देखिए शेख हसीना यहाँ आ गई, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं रोहित। थोड़ी देर पहले वो हिंडन एयरपोर्ट पे उतरी हैं और उसके बाद NSA अजीत डोवाल ने जाकर के उनसे मुलाकात की, सीनियर ऑफिशियल्स ने उनको रिसीव किया था। देखिए एज ओल्ड क्लोजर रिलेशनशिप रहा है शेख हसीना के साथ। जब बांग्लादेश में चुनाव हो रहे थे तब भी भारत बहुत कीन था कि शेख हसीना ही सरकार में वापस आए, बहुत कॉर्डियल और फ्रेंडली रिलेशनशिप रहा है। हालांकि आज ये सवाल जरूर उठाए जा सकते हैं कि जब नई रिजीम वहां आने वाली है, केयरटेकर गवर्नमेंट हो या उसके बाद चल के जो भी फुल फ्लेज्ड गवर्नमेंट आती है, तो क्यों ना हमको उस ओर ध्यान देना चाहिए। लेकिन इनके साथ पुराने रिश्ते हैं और डोवाल साहब का उनसे मिलना या ये आउटरीच जरूर दिखाता है कि इंडिया कहीं ना कहीं इस बात को असर्टेन करना चाहता है कि जो 6000 हिंदुस्तानी वहां अभी फंसे हुए हैं उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी कैसे इंश्योर की जाए, सिचुएशन ऑन ग्राउंड कैसी है, अकॉर्डिंगली डिप्लोमेटिक स्टेप्स उठाए जाए। इस वजह से ये मुझे लगता है इसलिए राजी हुआ है भारत की शेख हसीना को यहां पर टेंपरेरी एक स्टॉप ओवर दिया जाए। आपने पूछा उनका अगला कदम क्या होगा। देखिए प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक रोहित पहले उन्होंने इच्छा जाहिर की थी कि वो इंडिया आए, एक आध रोज रुके और उसके बाद यहां से लंदन अपनी बहन के यहां जो कि घर है उनका वहां पर चली जाए। इस बीच यूके से खबर आई कि इंग्लैंड उनको अपने यहां किसी भी तरह का पॉलिटिकल असाइलम नहीं
नहीं देना चाहता। हालांकि अभी तक ये कंफर्मिटी से नहीं कह सकते कि उन्होंने इंग्लैंड से ऐसा पॉलिटिकल असाइलम मांगा था कि नहीं मांगा था। कम से कम भारत सरकार ने की टॉप सोर्सेज ने मुझे कंफर्म किया है कि इंडिया में उनको पॉलिटिकल असाइलम का ना उनकी तरफ से कोई रिक्वेस्ट आया, ना ही भारत ऐसा करने जा रहा है। तो निश्चित तौर पर सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी यह है कि ये देखना होगा कि 6000 इंडियंस जो वहां फंसे हुए हैं, जिसमें हाई कमीशन के ऑफिशियल्स भी हैं, तमाम स्टूडेंट्स रोहित वहां पर हैं, कि उनको एक बार स्थिति सुधरे तो कैसे वहां से इवैक्यूएट करें। रही बात हिंदू पॉपुलेशन की वहां पर, तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। और मुझे तो अब इस बात का डर लग रहा है कि जमात इस्लामी वहां पर दोबारा से एक्टिवेट हो गया, जिसको लेकर के भारत की लंबे समय से चिंता रहती थी। ऐसे में जरूर इस बात का भी हमें भारत में ध्यान रखना चाहिए कि चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे शुभेंदु अधिकारी हो, चाहे संजय सिंह हो, या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई लीडर हो, पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स अभी ना दें। बिल्कुल आशीष, आपसे एक और बड़ी बात यहां पर यह भी जानना चाहिए कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की है और भारत सरकार बड़े पैनी निगाह रखी हुई है पूरे घटनाक्रम पर। जी हाँ बिल्कुल, देखिए ये मैं आपको बात बता रहा था, इंडिया के सामने अभी सबसे बड़ा चैलेंज है कि या तो स्थिति सुधर जाए या फिर वहां से भारतीयों को कैसे निकाल के लाया जाए। अभी रोहित मैं और आप बात कर रहे हैं, एस बी एंड यू टॉक, ढाका में एयरपोर्ट पे जो प्रोटेस्टर्स हैं वो घूम रहे हैं, वो एयरपोर्ट पूरी तरह से बंद है। आखिर अगर वहां से लोगों को इवैक्यूएट करने की नौबत आती है तो क्या प्लान हो, ये प्रधानमंत्री का डायरेक्शन तो चाहिए होगा। मुझे मेरी जानकारी के मुताबिक इसको लेकर के बात हुई डॉक्टर जयशंकर की प्राइम मिनिस्टर से, और शेख हसीना जब लैंड की है उसी दौरान ये मुलाकात चल रही थी। तो निश्चित तौर पर यह भी रूपरेखा तय की जा रही होगी कि कितने दिन तक शेख हसीना को यहां रखना है, क्योंकि कहीं उसका रॉन्ग मैसेजिंग ये ना हो जाए कि जो नई सरकार आ रही है या वहां की लार्जर आवाम जिनके लिए अभी अनपॉपुलर प्राइम मिनिस्टर थी वो नाराज हो जाए और इंडियंस की जान वहां खतरे में आए। इन सभी बातों को लेकर के प्रधानमंत्री से मुलाकात। बिल्कुल आशीष, बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही कि भारत को इस स्थिति को भी भांपना होगा, गेज करना होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। दिल्ली में शेख हसीना की बेटी भी है और दिल्ली में शेख हसीना भी है, बेटी साइमा से शेख हसीना मिल सकती है। WHO से जुड़ी है शेख हसीना की बेटी साइमा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दक्षिण पूर्व एशिया की क्षेत्रीय निदेशक है साइमा, दिल्ली में है शेख हसीना की बेटी और शेख हसीना भी दिल्ली पहुंच चुकी है। हिंडन एयरबेस पर उनका विमान उतरा और इसके बाद अभी वो दिल्ली में ही मौजूद है और WHO से उनकी बेटी साइमा जुड़ी हुई है, अपनी बेटी से वो मिलेंगी। इस वक्त की बड़ी खबर है शेख हसीना से जुड़ी हुई है जानकारी। एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें कि शेख हसीना से NSA यानी अजीत डोभाल की मुलाकात हुई है, वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों ने भी मुलाकात की है। हिंडन एयरबेस पर यह मुलाकात हुई है, भारतीय वायुसेना सुरक्षा मुहैया करवा रही है। सूत्रों के मुताबिक एक खबर मैं आपको बता रहा हूं, सुरक्षा में अन्य सुरक्षा एजेंसियां भी शामिल है और सुरक्षित स्थान पर ले जाया जा रहा है शेख हसीना को, सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर। और मेरे सहयोगी और एडिटर फॉरेन अफेयर्स आशीष सिंह मेरे साथ इस वक्त जुड़े। आशीष, शेख हसीना हिंडन एयरबेस में उतरी, NSA उनसे मिलते हैं, अब आगे क्या, कहां पर शेख हसीना है, उनका अगला कदम क्या हो सकता है, पड़ोसी मुल्क में अस्थिरता है। देखिए शेख हसीना यहाँ आ गई, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं रोहित, थोड़ी देर पहले वो हिंडन एयरपोर्ट पे उतरी हैं और उसके बाद NSA अजीत डोभाल ने जाकर के उनसे मुलाकात की, सीनियर ऑफिशियल्स ने उनको रिसीव किया था। देखिए एज ओल्ड क्लोजर रिलेशनशिप रहा है शेख हसीना के साथ, जब बांग्लादेश में चुनाव हो रहे थे तब भी भारत बहुत कीन था कि शेख हसीना ही सरकार में वापस आए, बहुत कॉर्डियल और फ्रेंडली रिलेशनशिप रहा है। हालांकि आज ये सवाल जरूर उठाए जा सकते हैं कि जब नई रिजीम वहां आने वाली है, केयरटेकर गवर्नमेंट हो या उसके बाद चल के जो भी फुल फ्लेज्ड गवर्नमेंट आती है, तो क्यों ना हमको उस ओर ध्यान देना चाहिए। लेकिन इनके साथ पुराने रिश्ते हैं और डोभाल साहब का उनसे मिलना या ये आउटरीच जरूर दिखाता है कि इंडिया कहीं ना कहीं इस बात को असर्टेन करना चाहता है कि जो 6000 हिंदुस्तानी वहां अभी फंसे हुए हैं उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी कैसे इंश्योर की जाए, सिचुएशन ऑन ग्राउंड कैसी है, अकॉर्डिंगली डिप्लोमेटिक स्टेप्स उठाए जाए। इस वजह से ये मुझे लगता है इसलिए राजी हुआ है भारत कि शेख हसीना को यहां पर टेंपरेरी एक स्टॉप ओवर दिया जाए। आपने पूछा उनका अगला कदम क्या होगा, देखिए प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक रोहित पहले उन्होंने इच्छा जाहिर की थी कि वो इंडिया आए, एक आध रोज रुके और उसके बाद यहां से लंदन अपनी बहन के यहां जो कि घर है उनका वहां पर चली जाए। इस बीच UK से खबर आई कि इंग्लैंड उनको अपने यहां किसी भी तरह का पॉलिटिकल नहीं देना चाहता। हालांकि अभी तक ये कंफर्मिटी से नहीं कह सकते कि उन्होंने इंग्लैंड से ऐसा पॉलिटिकल असाइलम मांगा था कि नहीं मांगा था। कम से कम भारत सरकार ने की टॉप सोर्सेज ने मुझे कंफर्म किया है कि इंडिया में उनको पॉलिटिकल असाइलम का ना उनकी तरफ से कोई रिक्वेस्ट आया, ना ही भारत ऐसा करने जा रहा है। तो निश्चित तौर पर सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी यह है कि यह देखना होगा कि 6000 इंडियंस जो वहां फंसे हुए हैं, जिसमें हाई कमीशन के ऑफिशियल्स भी हैं, तमाम स्टूडेंट्स रोहित वहां पर हैं, कि उनको एक बार स्थिति सुधरे तो कैसे वहां से इवैक्यूएट करें। रही बात हिंदू पॉपुलेशन की वहां पर, तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो और मुझे तो अब इस बात का डर लग रहा है कि जमात इस्लामी वहां पर दोबारा से एक्टिवेट हो गया, जिसको लेकर के भारत की लंबे समय से चिंता रहती थी। ऐसे में जरूर इस बात का भी हमें भारत में ध्यान रखना चाहिए कि चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे शुभेंदु अधिकारी हो, चाहे संजय सिंह हो, या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई लीडर हो, पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स अभी ना दें। बिल्कुल आशीष, आपसे एक और बड़ी बात यहां पर यह भी जानना चाहेंगे कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की है और भारत सरकार बड़े पैनी निगाह रखी हुई है पूरे घटनाक्रम पर।
जी हाँ बिल्कुल, देखिए ये मैं आपको बात बता रहा था, इंडिया के सामने अभी सबसे बड़ा चैलेंज है कि या तो स्थिति सुधर जाए या फिर वहां से भारतीयों को कैसे निकाल के लाया जाए। अभी रोहित मैं और आप बात कर रहे हैं एज मी एंड यू टॉक, ढाका में एयरपोर्ट पे जो प्रोटेस्टर्स है वो घूम रहे हैं, वो एयरपोर्ट पूरी तरह से बंद है। आखिर अगर वहां से लोगों को इवैक्यूएट करने की नौबत आती है तो क्या प्लान हो? ये प्रधानमंत्री का डायरेक्शन तो चाहिए होगा। मुझे मेरी जानकारी के मुताबिक इसको लेकर के बात हुई डॉक्टर जयशंकर की प्राइम मिनिस्टर से, और शेख हसीना जब लैंड की है उसी दौरान ये मुलाकात चल रही थी, तो निश्चित तौर पर यह भी रूपरेखा तय की जा रही होगी कि कितने दिन तक शेख हसीना को यहां रखना है, क्योंकि कहीं उसका रॉन्ग मैसेजिंग ये ना हो जाए कि जो नई सरकार आ रही है या वहां की लार्जर आवाम जिनके लिए अभी अनपॉपुलर प्राइम मिनिस्टर थी वो नाराज हो जाए और इंडियंस की जान वहां खतरे में आए। इन सभी बातों को लेकर के प्रधानमंत्री से बिल्कुल आशीष, बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही कि भारत को इस स्थिति को भी भांपना होगा, गेज करना होगा।